आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने यहां से अपनी मौजूदा सांसद नीलम सोनकर को एक बार फिर उतारा है, जिनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद और कांग्रेस के पंकज मोहन सोनकर से है। 2014 में बीजेपी पहली बार इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। इस बार के बदले हुए समीकरण में सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं और दोनों पार्टियों के वोट तो बीजेपी के लिए इस बार की लड़ाई कठिन है। लालगंज सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 सीटों पर सपा बसपा का कब्जा है। संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और मान्यवर कांशीराम जी के करीबी गांधी आजाद की पुत्रवधू है। गांधी आजाद बामसेफ और बसपा से जुड़े हुए थे। संगीता आजाद के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली भी की थी। अखिलेश यादव आजमगढ़ से मैदान में है। मोदी लहर ने इस सीट पर कमाल किया था। पार्टी के प्रत्याशी नीलम सोनकर ने पार्टी का झंडा इस सीट पर लहराया था। जहां आज़ादी के बाद पार्टी एक अदद जीत के लिए तरस रही थी, हालांकि उस चुनाव में एसपी बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बीएसपी की तरफ से पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम उम्मीदवार थे, लेकिन अगर एसपी बीएसपी दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो बीजेपी के लिए इस बार की लड़ाई कठिन है।